होटल एंड रेस्टोरेंट्स के इंडियन सेक्शन की जान होती है टमाटो प्यूरी। इस ग्रेवी के बिना इंडियन सेक्शन बिल्कुल अधूरा है। तो चलिए हम भी सीखते हैं ये ग्रेवी बनाना। हाय, वेलकम इन माय किचन। आई एम शेफ़ मनोहर मनकानी और मेरी किचन में मैं और आप मिलकर बनाएंगे कुछ अमेजिंग रेसिपीज़। सो ट्यून इन। शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। इसके लिए मैंने ये 4 टमाटर लिए हैं, ये 300 ग्राम है। टमाटो प्यूरी बनाने के लिए अगर आपको थोड़े पिलपिले टमाटर मिले तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेंगे, बढ़िया लाल होने चाहिए। ध्यान रखें वो कटे फटे ना हो, वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। दबे हुए टमाटर चलेंगे, और अगर ना भी मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल टमाटर भी बहुत अच्छा काम करेंगे। मैं इसको 1:4 में काट रहा हूँ। देखिए इस तरीके से आप इसको 1:4 में काट लीजिए। 300 ग्राम्स टमाटो हैं ये। टमाटो प्यूरी से इंडियन मेन्यू की लगभग 70% डिशेस निकल जाती हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इसको सीखना और इसको बनाना। ये देखिए इस तरीके से मैंने अपने टमाटर सारे काट लिए हैं, और अब मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ एक प्याज। और ये जो प्याज है ये 80 ग्राम का प्याज है लगभग। इसको भी मैं रफ चॉप कर लूँगा। आप भी इसी तरह से काटें, इसलिए मैंने इस वीडियो में कटिंग दिखाई है कि किस तरीके से काटना है। ये देखिए हमारा प्याज ये रफ चॉप हो रहा है। ये बढ़िया हमारा रफ चॉप हो गया है, हमारा टमाटो भी और हमारा अनियन भी। इसी के साथ साथ इसमें मैं डाल दूँगा ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और साथ ही साथ में ये 2 लहसुन। बहुत ज़्यादा इसमें अदरक लहसुन नहीं डालना है। अगर आप चाहें तो उसमें हरी मिर्च डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, डालें ना डालें आपकी मर्ज़ी है। इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा फ्लेवरिंग डालनी होती है, क्योंकि जब इससे हम दूसरी डिशेस बनाते हैं तो उनमें हमें फ्लेवरिंग देने में आसानी हो। कोई भी फ्लेवर ओवर पावर नहीं करना चाहिए। इसमें मैंने डाली 1 मोटी इलायची और 2 छोटी इलायची। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, साथ में खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। ये मैंने इसमें डाला नमक। नमक भी आप थोड़ा कम ही रखें, क्योंकि जैसा कि आपको मैंने बताया कि हम इससे कोई भी डिश बनाएंगे तो उसमें फ्लेवरिंग देने में हमें आसानी होगी। ये इसमें मैंने डाला 1/2 टीस्पून से भी कम रेड चिली पाउडर फॉर द फ्लेवर एंड कलर। और ये मैंने इसमें 1 टीस्पून ऑयल डाला है, इससे बहुत अच्छी शाइन आएगी हमारी ग्रेवी में। और इसमें मैं डाल रहा हूँ ये 50 ml वाटर, क्योंकि इसको हम प्रेशर कुक कर रहे हैं तो थोड़ा पानी डालना ज़रूरी है। होटल रेस्टोरेंट में तो हम सीधा इसको ऐसे ही पकाना शुरू कर देते हैं पतीले में, प्रेशर कुकर में नहीं पकाते हैं। अब इसकी लिड को बंद करके हम इसे 4 से 5 सीटी तक पकने देंगे। देखिए 4-5 सीटी के बाद इसका प्रेशर निकलने दें, और देखिए कितने बढ़िया से हमारे टमाटर मशी हो गए हैं। ये जो ऊपर आपको ये दिख रहा है ग्रीन कार्डमम और मोटी इलायची, इसको आप निकाल लें। ये देखिए मेरा प्याज भी कितना सॉफ्ट हो गया है और टमाटर भी। अब इस मिक्सचर को हमें अच्छे से ठंडा करना है और बढ़िया तरीके से इसको पीस लेना है। और अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इसको छान भी सकते हैं। अगर अच्छे से पीसेंगे तो छानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए मैंने अपनी ये प्यूरी को पीस लिया है, और देखिए कितना अच्छा कलर आया है और शाइन कितनी अच्छी आई है, क्योंकि इसमें हमने ऑयल यूज़ किया था। टेक्स्चर और सब कुछ आप देख लीजिए, कंसिस्टेंसी इसकी इस तरीके की रहेगी। अब इससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। पनीर मखनी, पनीर बटर मसाला, दाल मखनी, सोया चाप मसाला, सोया चाप मखनी, बटर चिकन, कढ़ाई पनीर, बहुत कुछ इससे बन जाता है। और भी बहुत कुछ हम इसमें ज़रूर सीखेंगे, हम इससे क्या क्या बना सकते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ।